अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान अदीब और आप देख रहे हैं अदीब टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का जो फॉन्ट है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है, आप इसका जो है ये इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, ये वाला इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन वाला जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके दो तीन जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं, उससे आपका जो पूरा का पूरा कंप्यूटर का जो फॉन्ट स्टाइल है चेंज हो जाएगा। तो ये कैसे करना है ये सारा का सारा मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आपने करना क्या है कि अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है ताकि वो आप जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर सकें, जिसके अंदर जिसकी मदद से हम ये सारा जो है चेंज करेंगे फॉन्ट स्टाइल। तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट टाइप करता हूँ, तो आपने वही वेबसाइट टाइप करनी है। तो ये वेबसाइट का नाम है salmanadeeb.tk। तो आपने इसको टाइप करके इंटर कर देना है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। तो आपने यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे जो है अपने कंप्यूटर में आ जाना है। उसके अलावा आप यहाँ से भी जो है यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ प्ले स्टोर से और फिर कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास न्यू पेज ओपन होता है और यहाँ पे कंप्यूटर के सारे जो है सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, जो खास सॉफ्टवेयर हैं यानी क्रैक वाले जो होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो है डाउनलोड लिखा हुआ है, ये जो उसका लोगो भी बना हुआ है, आपने इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और इसको जो है यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ये डाउनलोड हुआ पड़ा है पहले से ही। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है, तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ और इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद नॉर्मल मोड ही रहने देना है आपने, फिर नेक्स्ट पे कर देना है और यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और फिर नेक्स्ट करके और नेक्स्ट, फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, आपने सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये हमारे पास जो है इंस्टॉल हो चुका है। हम इसको फिनिश पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ चुका है। तो हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद यस कर देना है और यहाँ पे हमारा जो है सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। तो अब आपने फॉन्ट चेंज कैसे करना है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो आपने यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एडवांस अपेरेंस सेटिंग एक है, तो हमने यहाँ पे आइकॉन पे क्लिक करना है। आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे चेंज फॉन्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाने के लिए जो है यहाँ पे सारे मुख्तलिफ फॉन्ट ले लेता हूँ ताकि साफ वाजह हो भी हमारा फॉन्ट चेंज हुआ है या नहीं। यहाँ पे मेन्यू बार वाला भी हम चेंज कर लेते हैं और
इसको हम ये करके ओके करेंगे और यहाँ पे अप्लाई चेंज। उसके बाद फिर हम दोबारा इसको जो अप्लाई चेंज पे क्लिक नहीं किया था, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं और अप्लाई चेंज। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन आउट नाउ, यानी आप साइन आउट होकर दोबारा जब ऑन करेंगे तो ये सारा चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको पहले फोन लगा के बाद में इसको साइन आउट करके आपको चेक करवा देता हूँ ये काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने बस ये हमने तीन फोन चेंज करने हैं, तो ये तीन आप फोन चेंज करके इसको साइन आउट पे क्लिक कर लें। तो मैं यहाँ पे साइन आउट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो है फोन चेंज हो गए हैं। मैंने पीसी साइन आउट करके दोबारा लॉगिन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे माय कंप्यूटर को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो है फोन जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो जो तीन हमने फोन चेंज किए थे वही तीन होंगे। यहाँ पे ऊपर पीसी वाला भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसका नाम आता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। और यहाँ पे साइड वालों में आप फोन चेंज कर सकते हैं। और जो दो तीन मैंने यहाँ पे दायरे लगाए थे मैं आपको दायरे दोबारा दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, आप इतने तरह के यहाँ पे ये जो जगह के आपने जो फोन चेंज कर सकते हैं। आप जो सेटिंग में और देख सकते हैं कि वहाँ पे और कितने तरह के फोन है, तो आप अपनी मर्जी से फोन चेंज कर लें। तो यही था आज का हमारा टॉपिक कि हमने जो है फोन चेंज कैसे करना है। उसके अलावा इसका जो है फोन आप डाउनलोड कैसे करेंगे उसकी वीडियो भी मैंने पहले से दे दी है। और उसके अलावा इसको सारे अगर आपके पास 100 से ज़्यादा फोन है उसको एक क्लिक में कैसे इंस्टॉल करना है वो भी बता दिया गया है। और अगली वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि आप अपने हाथ से लिखा हुआ फोन अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।